This is a time of year when we focus on hope, on peace, and I hope that this will be the case for each of us in our own lives at this time of the year. पता है कि ये जो क्रिसमस रश है, क्रिसमस सीजन है, इसमें हमेशा ऐसे होता है कि वक्त थोड़ा मुकाबला सख्त होता है, और अगर आप इन दिनों में वक्त निकालते हैं किसी इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है। तो आज सुबह हमारा इजलास हुआ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का सालाना इजलास था, और हमारे पास्टर्स, हमारे डेलीगेट्स गेस्ट भी हैं, जो आज ना सिर्फ हमारे डेलीगेट्स के साथ वक्त गुजारने के लिए, बल्कि हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और क्रिसमस केक काटने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। शुरू में मैं हमारे एक पास्टर साहब हैं पादरी अफसर सोन, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और दुआ के साथ हमारी शाम का आगाज करें। तो हम दुआ मांगेंगे, उसके बाद हम कैरल्स गाएंगे, दो कैरल्स गाएंगे, और फिर हम अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे और फिर क्रिसमस केक काटेंगे। आज का प्रोग्राम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, मुझे पता है कि आप सबको बहुत दूर इलाकों में वापस जाना है। सो आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस मुकद्दस शाम के लिए। खुदावंद बिलखसूस हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर साहब के लिए, तमाम ओहदेदारान के लिए, और अपने तमाम डिस्टिंग्विश गेस्ट के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, आज की शाम जब हम तेरे हुजूर में खुदावंद इल्तजा करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि इस इबादत के आगाज में और आखिर तक खुदावंद तू हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई फरमा। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये सारी खुशियां हमें तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हासिल हुई है। खुदावंद जिसका तवल्लद हुआ है, और खुदावंद हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। एंड वी नो दिस दैट ईच एंड एवरीवन हु कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल बी सेव्ड। एंड थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव, बिकॉज यू हैव लव्ड the world so much that everyone who call on the name of the Son, Lord Jesus Christ, should not perish but have everlasting life. Khudanam is everlasting life ke liye, hamesha ki zindagi ke liye tere shukrgozar hai jo tere pyare bete hamare khudan yesu masih ke wasile se hame hasil hui hai. Hum tamam azizon ke liye jo duron nazdeek se aaye hain, aur Presbyterian Church of Pakistan ke liye, तमाम डेलीगेट्स के लिए और तमाम गेस्ट के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, और इन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और ये दुआ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। सर वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम प्लीज। भी काफी मेहमान मतवक्को थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुझे आई वॉज होपिंग के हमारे साथ होंगे वो हैं, और बहुत जल्दी में भी हैं। एक कैरल हम गाएंगे उर्दू में, आई सब ईमानदारों। तो क्रिसमस स्पिरिट जो है, इट्स ए स्पिरिट ऑफ सिंगिंग कैरल्स। तो अभी हम एक कैरल जो है अपनी क्वायर के साथ मिलके हम खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। Oh,
तशरीफ रखिए। अभी चूंकि हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं, मैं चाहता हूं कि हम आपका ज्यादा वक्त ना जाया करें। आई वॉन्ट टू रिकग्नाइज जो हमारे मेहमान हैं, अहमद साहब, टुडे वी हैव द डेलीगेट्स ऑफ द प्रेस्टीज चर्च ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। आज हमारा जनरल असेंबली थी, तो द होल डे वी वर बिजी इन द जनरल असेंबली सेशन, एंड नाउ वी आर ऑनर्ड टू हैव योर प्रेजेंस इन आवर मिडस्ट टू सेलिब्रेट क्रिसमस। सो मैं आज रिकग्नाइज करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, साथियों को, जो हमारे बड़े मेहरबान और प्यार करने वाले दोस्त हैं, और मुझे पता है कि आपका बहुत कीमती है। हमारे जो मॉडरेटर्स हैं, जो डिफरेंट प्रेस्बिटरीज को लीड करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, कराची से इस्लामाबाद तक, थल, नारोवाल और सरगोदा और ऑल दीज एरियाज, हम हर साल उनके साथ कुछ गिफ्ट शेयर करते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि हमारे मॉडरेटर साहब और हमारे ऑफिस बेयरर्स यहाँ पे हैं, हम उनके साथ अपने गिफ्ट शेयर कर लें, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एल्डर अजीम असगर सियालकोट प्रेस्बिटरी के मॉडरेटर हैं, रेवरेंड अकील हेक्टर कसूर प्रेस्बिटरी के मॉडरेटर हैं, आप लोग आगे साथ में आएं। जिस तरतीब से मैं नाम लेता हूँ काइंडली उसी चाहिएगा, सियालकोट फिर उसके बाद कसूर। थैंक यू, आइए इधर आ जाइए, कसूर, हाँ जी। और इस्लामाबाद से रेवरेंड हारून शफकत, सरगोदा प्रेस्टी रेवरेंड हारून फैज, एल्डर इश्तियाक निहाल नारोवाल बी, रेवरेंड सांबल गुल गुजरांवाला, उसकी जगह पे डॉक्टर सलीम यूनिस आप आए, तो गोंदला वाला प्रेस्टी, सीम अख्तर आज आगे आते थे, रेवरेंड बर्नाबास सागर बदोमली, रेवरेंड जवेद गौरी कामो की प्रेस्टे, रेवरेंड शफाकत बशी शरीफपुर प्रेस्टे, रेवरेंड क्रिस्टोफर डैनियल थल प्रेस्टे, एल्डर अमजद परवेज फैसलाबाद प्रेस्टे, रेवरेंड एहसन तनवीर अलीपुर चट्ठा प्रेस्टे, रेवरेंड आफ्ताब नजीब मार्टिनपुर, रेवरेंड मुमताज मसीह हरि सिंह वाला प्रेस्टे, रेवरेंड स्टीव तबसम नारोवाल ए, रेवरेंड इरफान बरकर कांगा डोगरा, रेवरेंड आसम रहमत, आसम रहमत पसरूर प्रेस्बिटरी,
सो हमारे सब मॉडरेटर्स के लिए और इनकी प्रेस्पिटेज के लिए, सारे फेथफुल पास्टर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वी आर सो थैंकफुल आप सबकी अंथक कोशिशों के लिए, मेहनत के लिए, जिसकी वजह से प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और कलीसियाएं तरक्की कर रही हैं। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जब आप वापस अपने अपने एरियाज में जाते हैं तो हमारी बेस्ट विशेज साथ लेके जाएं कॉन्ग्रीगेशन के साथ, और खुदावर के फजल से नेक्स्ट ईयर फिर हम इसी तरह से मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोग तशरीफ रखिए, अभी थोड़ी देर में हम आपको वापस बुलाएंगे जब केक काटना है। इतनी प्यारी मोहब्बत पसीना आती है, आपकी खुदा की मुलाकात है, आपकी से खुदा की मुलाकात है। मैं अभी वेलकम करना चाहूंगा हमारे गेस्ट को। आप देखेंगे कि इतना क्विक प्रोग्राम कभी नहीं होते, तो सबसे पहले मैं सामने बुलाना चाहूंगा हमारे मेहमान खुसूसी सुबाई वजीर ब्राय खुराक को तवनाई ऑनरेबल हुसैन यादरिशिक साहब, प्लीज सर तशरीफ लाइए। And also, I am really honored to have Awais Ahmed Sahab, the Advocate General of Punjab. Sir, please tashreef laiye. Moderator Sahab, aap aaiye, Minister Sahab ko haar pehna de. Moderator Sahab, aaiye. इस तरह से एडवोकेट जनरल पंजाब, ये हमारे, आई नो सर यू आर यू ट्रूली फ्रेंड टू अस ऑलवेज, एंड आपका आना जो है हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस है। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। आपकी तालियों में आई वुड लाइक टू वेलकम। इस तरह से मैं अभी दावा दूंगा प्रेस क्लब से हमारे जो दोस्त हैं मिस्टर अर्शद अंसारी। प्लीज सर, व्हाट एन ऑनर टू हैव यू। आप और इनके साथ जो हमारे दोस्त आए हैं मैं उनको भी रेकग्नाइज करना चाहूंगा। आसफ सर वापस हाल बना दे। और मैं भी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से मोहम्मद यूसुफ जो डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो सामने आए। किधर है सर तशरीफ लाइए, आप अपने पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे हमारे एक्यूमेनिकल पार्टनर सॉल्वेशन आर्मी ऑलवेज हमारा फैमिली का हिस्सा है, तो मैं अभी दरख्वास्त करूंगा जेफ एप से कि प्लीज आइए, जो टेरिटोरियल कमांडर हैं, और उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं और टेरिटोरियल कमांडर इलेक्ट, प्लीज आप तशरीफ लाइए। हमारे मॉडरेटर्स में से दो तीन लोग आ जाए मॉडरेटर्स में से जरा हाथ पिलाने के लिए। Thank you.
इज पाकिस्तान से मैं दरखास्त करूंगा मिस्टर जावेद विलियम को, आप प्लीज तशरीफ लाइए। और हमारे ह्यूमन फ्रेंड से साजिद क्रिस्टोफर, प्लीज तशरीफ लाइए, वेलकम। और मेरे बड़े प्यारे भाई, और जहां भी जाते हैं बहुत मोहब्बत दिखाते हैं और बहुत सरगर्म भी हैं, वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन महेंद्र पॉल जी, तशरीफ लाइए। और इसी तरह से मरकजी रानमा जमात इस्लामी मलक मोहम्मद इलियास सर और कलीग भट्ट सर, दोनों आ जाए, दोनों आइए आप, दोनों खलीक भट्ट साहब तशरीफ लाएंगे। ये सदर शोभा तालुका त्यामा जमात इस्लामी लाहौर सर, वेलकम, आइए प्लीज, हाँ देखें सर, वेलकम जी जी, आइए आइए सर। और राय शायद सलीम खान साहब, एडमिन ऑफिसर जो एडवोकेट जनरल साहब के ऑफिस से हैं सर, वेलकम, प्लीज जॉइन अस। सर प्लीज प्रेसिडेंट पंजाब प्रेस क्लब, प्लीज तशरीफ लाइए। और ख्वाजा नसीर यार भाई टीवी से, हमारे वो घर के बंदे हैं लेकिन आप आ जाए। मियां शकील रहमान साहब तशरीफ लाइए, मौलाना शकील रहमान साहब, और मौलाना आसिम मखदूम साहब तशरीफ लाएंगे, कुल मसाले कुलमा बोर्ड के चेयरमैन। और समीला प्लीज आप तशरीफ लाइए, जो कि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, एडवोकेट शहजाद बशीर साहब, प्लीज तशरीफ लाइए। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे पास नाम हो सब दोस्तों के, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, अब्दुल रऊफ, मुझे और बता जी जी, ओह यस, चौधरी मोहम्मद जहाजी साहब, वुमेन गेस्ट दैट वी हैव, अगर आप प्लीज आप आ जाए कुछ खवातीन की नुमाइंदगी के लिए, और हमारे सल्वेशन आर्मी से जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इफ यू कैन प्लीज जॉइन अस, तो अच्छा हो जाएगा। ये स्टेज जो है ये खवातीन की नुमाइंदगी के बगैर नहीं रहना चाहिए। डी जी पी आर से अगर आप हमारे साथ आएंगे सामने, आई विल बी वेरी ऑनर्ड। एक्स एम पी ए कंवल वसीम साहब, वी वेलकम यू, आप प्लीज हमारी नेग्लिजेंस को माफ कीजिएगा, but we recognize your presence here and please join us because we are not going to spend too much time here, we will not take much of your time. Main abhi sirf I'm just going to hand the mic over to just three or four people, just aap sab ki namaindgi karte hue apne jo mohabbat hai uska izhar karenge, and let me start with minister saab sir. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल की अता गहराइयों से तमाम मसीही भाइयों को अपनी तरफ से, और तमाम जो हमारे पाकिस्तान के मेरे एरिया के लोग हैं उनकी तरफ से जो क्रिसमस है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं, और हर साल की तरह मैं तवक्को करता हूं कि जो पैगाम हमें हज़रत ईसा ने दिया हम उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करके
पाकिस्तान को एक बेहतर टॉलरेंट माशरा बनाने में अपना रोल प्ले करें। तमाम साथियों को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच सर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और इस पत्रकार तकरीब में आपने बुलाया। मैं समझता हूँ कि तमाम गोश्त इस पे के मौका पर पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से मैं मेरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह जिस तरह दर्शक साहब ने कहा कि हमें तो आइन भी इजाज़त देता है अपने मिनोरिटीज को उनकी फंक्शंस को और उनको वोट करने के लिए, इसी तरह मैं समझता हूँ कि आज खुशी का दिन है, आप सबको मेरी क्रिसमस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा DGSPR से प्लीज चूज वन पर्सन आइए। आज बड़ी खुशी का दिन है और आप यकीन माने कि पाकिस्तान का परचम आपके बगैर मुकम्मल नहीं होता। पाकिस्तान के परचम में सफेद रंग जो है उसमें आप मौजूद हैं और उसके बगैर हमारा परचम मुकम्मल नहीं है। और हिस्ट्री पे नज़र डालें तो पाकिस्तान बनाने में आप लोगों का बहुत किरदार रहा है। हम आपको आपके शुक्रगुजार भी हैं इस सारे और आपकी तरक्की के लिए भी दुआगो हैं और पाकिस्तान में सबको आगे बढ़ने के लिए मतवाजी और सारे मौके मौजूद हैं। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन एज सच मैंने कभी नहीं देखी। इस खुशी के मौके पे मैं अपने महकमा ताल्लुकात आमा की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिस तरह सर ने कहा, मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारा भी दिन है, ये आपका भी दिन है। शुक्रिया। आपके साथ सल्वेशन आर्मी से हमारे टेरिटोरियल कमांडर रेफ जेफ, प्लीज ओवर टू यू। ओवर टू यू। सलाम। क्रिसमस की आमद आमद है एंड वी आर एट अ टाइम व्हेन वी पर्टिकुलरली फोकस ऑन होप, पीस, जॉय, लव। मे दिस बी फॉर ईच ऑफ यू at this time of year. Khuda aap sabko barkat de. Thank you. Mainte paas. Khuda wan Yesu Masih ke barkat naam mein sabko salam. Aaj hum sab is church mein Christmas manane ke liye ikatthe hue hain aur ye Khuda wan Yesu Masih ka janm din hai. और खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए इस दुनिया पे नहीं आए, वो दुनिया के लोगों के निजात के लिए आए हैं, वरना जाते हंदा है। इसलिए हमें सब हम सबको उनकी आमद की जो है वो खुशियां मनानी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन खुशियों में हमें याद किया। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, तमाम मसीही प्रादी को, तमाम दुनिया को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद विलियम साहब। रेवरेंड डॉक्टर मजीद देवल साहब का बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। हमेशा हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और यहाँ आने का दिल करता है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये हम जोर शोर से गाते हैं, सुनते हैं। अगर हम एक हैं तो हमारी खुशियां भी सांझी हैं, तो हमें सबको सेलिब्रेट करना चाहिए हर त्यौहार जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। साथ ही साथ इन खुशियों में हमें याद करना चाहिए जो इस साल पाकिस्तान में एक नागहानी आफत आई है फ्लड की सूरत में, हम उनको भी याद करें। फेसिस पाकिस्तान की तरफ से हमने बहुत काम किया है, आप लोग भी जो जो कुछ करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए ताकि इस खुशी में उन लोगों की भी खुशियों में हम शामिल कर सकें जो इस आफत से गुजर रहे हैं। आप सबको ईद विलादतुल मसीह मुबारक। थैंक यू सर। अब महमूद गजनवी साहब, आप भी सामने तशरीफ ले आइए और मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना आसिम मखदूम से कि वो सामने आ जाए। सब दोस्तों ने बहुत खूबसूरत जुमले डॉक्टर मजीद एबल साहब के बारे में कहे हैं। यकीनन इनकी शख्सियत ऐसी है, ये हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, एक गहरा ताल्लुक है।
लेकिन दोस्ती में भी इनकी तारीफ में अल्फाज नहीं मिलते कि ये इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाते हैं। हमें पूरे मुल्क में ऐसा गुलदस्ता नहीं मिलता। इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। मौलाना शकीलुर रहमान साहब, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजीद अहमद साहब का, वो हमें अपने प्रोग्रामों में हमेशा बुलाते हैं और मेरी कोशिश होती है कि इनके प्रोग्राम के लिए वक्त ज़रूर निकालूँ। और मैं आपको क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ साथ ये बात जो मोहतरम सूबाई वज़ीर साहब ने कही है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम हम सब के नबी हैं और हमें चाहिए कि जो उनकी तालीमात हैं उस पर अमल करते हुए हमको आपस में मिलजुल के अपनी खुशियां और गमियों में शरीक होना चाहिए। और पाकिस्तान को जिस तरह हमने मिल के बनाया था और एक ही वोट था जो आपकी तरफ से, आपके बुज़ुर्गों की तरफ से था, वो हमारे पाकिस्तान पर भी एक एहसान है। और एक और बात छोटी सी मैं कह के जब इस्लाम का आगाज़ हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत हबशा का हुक्म दिया उस वक़्त भी हमारे आप भाइयों ने हमारे ऊपर एहसान किया और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये हमारे मोहसिन हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बनाने में भी जो आपका किरदार है वो भी काबिल तहसीन है और हमें मिलजुल के इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। बहुत शुक्रिया। ह्यूमन फ्रेंड से साजिद क्रिस्टोफर, प्लीज। मसीही बहन भाइयों को और तमाम बड़ी नौ इंसान को क्रिसमस की खुशियां बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर मजीद एबल और उनकी सारी जितनी भी टीम है उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत महफिल का यहाँ पर इनेकाद किया। और सारे मौजूद मेहमान जो यहाँ तशरीफ लाए, आप सब ने हमारी क्रिसमस की खुशियों को दुबाला किया। आप सबको क्रिसमस और आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मैं अब दरख्वास्त करूँगा एस एम एस साहब से, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, पिछले साल जो आपने खूबसूरत अल्फाज बोले आज भी हमें याद है। और मिनिस्टर साहब, बट एन ऑनर टू हैव यू ऑल्सो एंड ऑल द डिग्निटीज प्रेजेंट हियर। आप सब ने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी खूबसूरत की है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम पूरी दुनिया फिरते हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। आमीन। थैंक यू। सो ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इंतहाई खुशी है कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन, यौम पैदाइश इसी माह में 25 दिसंबर है और आज उसी सिलसिले का आज हम सब खुशी में शरीक। और ये उनका इस दुनिया में आना, ये बायस रहमत जो है वो सिर्फ मसीही हजरात के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए नहीं है। इस्लाम के हवाले से हमारा अकीदे का हिस्सा है, हमारी फेथ का हिस्सा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, साहिब किताब, और उन पे ईमान लाना, उनकी इज्जत और तज़ीम का ख्याल रखना, उनको अल्लाह के नबी समझना, ये हमारे फेथ का हिस्सा है। कोई इससे मुनाफ होगा तो वो इस्लामी नुक्ता नज़र से उसमें शामिल नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह हम सब इस खुशी में शरीक हैं, इकट्ठे हैं, तो मैं नहीं समझता, मैं ज़ाती तौर पर भी ये नहीं समझता कि हमारे मसीह भाई बहन कोई अकलियत है। मैं समझता हूँ कि ये दीन इब्राहिमी का हिस्सा है, जिस तरह हम हिस्सा हैं उस लिहाज से हम सब एक है। ये कोई माइनॉरिटी में शुमार नहीं करता मैं इनको। और एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूं कि ये सबक भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात, अपनी जिंदगी में ये सबक दिया, वो प्यार मोहब्बत का सबक जो है, आज जरूरत है कि पाकिस्तान से निकल के, हमारे इस आज के इस फंक्शन से निकल के
ये मैसेज जो है, ये पैगाम जो है, ये दुनिया के कोने कोने में फैले और बिलखसूस अक्वामे मुत्तहिदा में ये पैगाम फैले कि उसका चार्टर जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर है और तमाम कौमें, तमाम लोग, इंसानियत का सबक जहाँ पे मिलता है वो सब इकट्ठे हो और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है, आपस में कोई तनाजा है, तो वो उसी जज्बे से उसको सुलझाया जाए और जंग और जदल को खत्म किया जाए और गोला बारूद की सियासत से इश्तराब किया जाए, क्योंकि हजरत ईसा का ये सबक नहीं है और ये हम सबको सोच लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए और इसी में हमारी खैर है और यही हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की नज़र से देखें और ये आगाज हम आज के इस आपके इस फंक्शन से, इस पैगाम से हम करते हैं। अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस खुशी में शरीक होने का जो हमें ये शर्फ हासिल हुआ है इसमें बरकत डाले और हमारे दिलों को, हमारे जहनों को खोल दे और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत का जज्बा और बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं हम चाहेंगे केक काटना, मैं देख लूँ कि तकरीबन सबकी मंजी हुई है। ओके